कितनी सीटें जीतेगी नंबर, तो उन्होंने कहा कि नहीं नंबर मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हम सत्ता में आएंगे। तो ये अचानक नंबर आप बताना क्यों बंद कर दिया सर, क्या उनको लगने लग गया, मूड क्या है? गुजरात के चुनाव में बोलते थे कि 150 सीटें जीतेंगे, बाद में क्या आलम हुआ आपको पता है वहां पे। इसी तरह से उन्होंने 3 तिक्रम करके और ऐसे भी सरकार बनाई, लेकिन राजस्थान मौका में नहीं मिला। राजस्थान में वो 180 और 70 की बात करते थे, अब सिर्फ जो है 70 पे आ गए हैं, 70 80 पे, और मुझे लगता है वो 50 के नीचे रहेगी बीजेपी राजस्थान में जो स्थिति है। इसलिए अमित शाह जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, उनके चुनावी गणित इधर लगातार जो है फेल हो रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे कि आप वहाँ पे वैरो सिंह जी की समाधि पर जा रहे हैं, उनका सुमन अर्पित करने, तो ये प्रधानमंत्री जी नहीं गए इसलिए आप जाके पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हैं या वास्तव में आप? मैं कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैंने तो एक मुद्दा आपके सामने रखा कि ऐसा हुआ करना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जाते ज़्यादा अच्छा लगता, हम भी उसकी प्रशंसा करते हैं। शुक्ला जी हमारे व्यक्तिगत संबंध उनसे थे इसलिए वहाँ पर जा रहे हैं, जब आया उसलिए उनकी समाधि पर जो है पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। शुक्ला जी अगस्ता वेस्टलैंड मामले के अंदर अगस्ता वेस्टलैंड का जहाँ सवाल है, कांग्रेस पार्टी को किसी किस्म का कोई डर नहीं, कांग्रेस की सरकार ने इसकी जांच बिठाई थी और कांग्रेस सरकार का इसमें किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। पौने 5 साल से जांच ये चला रहे हैं है? और जो है उस जांच में अगर कोई निकले तो कानून अपना रास्ता ले, कांग्रेस पार्टी को भी, कांग्रेस पार्टी का अगस्ता वेस्टलैंड में किसी किस्म का ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, ना कोई हमारा लेना देना, ना कोई डर है। इनकी सिर्फ एक ही तौर तरीका रहता है कि हर चीज की मीडियाबाजी कराना। अरे आप लाओ ना क्या क्या सर, रॉबर्ट वाड्रा ने आज एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि मेरे रेपुटेशन के साथ खेला जा रहा है, बार बार एक ही तरह के डॉक्यूमेंट्स मंगाए जा रहे हैं और कोई जो डॉक्यूमेंट मैं दे चुका हूँ उन्हीं को बार बार मंगाए जा रहे हैं। देखिए रॉबर्ट वाड्रा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप ये बताइए राजस्थान सरकार कब से जाँच उनकी करा रही है, केंद्र सरकार कब से उनकी जाँच करा रही है, लेकिन उस जांच में आज तक उनको ऐसा कुछ भी नहीं मिलता कि उस पर कुछ ठोस कार्रवाई हो सके, सिवाय अखबारों में छपवाना, मीडियाबाजी कराना, एक जब चुनाव हो एक रॉबर्ट वाड्रा का कोई ना कोई सी गुफा छोड़ देना और उससे लोगों को सिर्फ भ्रमित करना कि सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर मीडियाबाजी करते हैं और राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश करते हैं। आज तक इनके पास कोई ऐसे ठोस सबूत नहीं, कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ नहीं जाँचों में निकला जिससे उन्हें किसी किस्म से दोषी करार किया जा सके। सर सूरज शहर वाले प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया था कि कांग्रेस के राज में कई विधवाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं, एक विधवा के अकाउंट में, इस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी जी को निशाना चाहता। मुझे लगता है कि इस तरह के बयानों के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस तरह के बयान देना कि जो है अकाउंट में पैसे आए, आपको पता है कि बहुत पहले जब राजीव गांधी पे सारा आरोप लगाया गया था कि बैंक पर्ची निकाल के जो है विपक्ष के उस समय के नेता जो बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे, उन्होंने कहा था कि राजीव गांधी ने वो फोर्स भी किया और बाद में कुछ नहीं निकला, सब गलत झूठे अकाउंट निकले, तो मोदी जी भी वही चुनावी सुपीफा छोड़ते हैं और इस तरह से विधवा करना मुझे नहीं लगता। एक प्रधानमंत्री जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो राजनीतिक शालीनता की गरमा को कम करता है। एक और बड़ा बयान दिया था उन्होंने, ये कहा था कि कांग्रेस हमेशा भारत माता की जय रोकने के लिए मुझे बोलने के लिए रोकती है, एक नामदार ने भी मुझे रोका है राहुल गांधी पर, उन्होंने राहुल गांधी ने उनको रोका नहीं है, गांधी परिवार तो हमेशा भारत माता की जय बोलते, इंदिरा जी की आपको याद है क्या बोलती थी हर, उसके बाद जो है राजीव जी सब लोग तो भारत माता के जो है जय कारा सब लगाते हैं, लेकिन राहुल जी ने दूसरी बात की जिससे वो बचना चाहते हैं, बयान को ट्विस्ट करने में मास्टरी है उनकी। उन्होंने कहा कि आप जो है फायदा पहुंचा रहे हो उद्योगपतियों को, उनकी जय बोलो ना, उस पर नहीं बोलेंगे, वो हिस्सा गायब कर देते हैं जवाब देने में और घुमा देते हैं उसको। भारत माता की जय तो सभी बोलते हैं, आप भी बोलो, हम सब बोल रहे हैं और गांधी परिवार तो हमेशा से बोलता है, लेकिन आप जिनका राजीव जी ने कहा कि आप जिनको फायदा पहुंचा रहे हो देश की जनता की गाड़ी का मालिका, उन उद्योगपतियों उन व्यापारियों जो गिने चुने हैं जिनको फायदा आपने पहुंचा है उन पे जो उनके आरोप, उनका जवाब तो दो।
फिर उनकी जय बोले। सर बुलंदशहर मामले में कह रहे हैं अमित शाह जी कह रहे हैं बुलंदशहर मामले में मेरा एक कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चौपट हो गई। ना केंद्र सरकार उस तरफ देख रही है, गृहमंत्री राजनाथ जी लोग इनके और योगी आदित्यनाथ जी को तो खैर फुर्सत ही नहीं, वो तो बाकी सारी जगह घूम रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा और गंभीर हादसा है। उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसी चीज़ों पर प्रतिक्रिया, अगर वरना प्रतिक्रिया हो तो उसका बहुत बड़ा हादसा हो सकता। उन लोगों ने संयम बरता, बहुत अच्छा किया। एक इंस्पेक्टर को जिस तरह से मारा गया उससे पूरी पुलिस फोर्स का जो मोरल है वो डाउन हुआ है, और ये बहुत गंभीर और चिंताजनक बात है। तो इसलिए जो है ये, और प्रधानमंत्री जी ने मुझे याद है पिछले साल इस तरह के जो तत्व है भाजपा से जुड़े हुए उन सबके खिलाफ कहा था कड़ी कार्रवाई होगी, पकड़े जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह के तत्व लगातार ही हरकत कर रहे हैं, और परसों जिस तरह से उन्होंने बुलंदशहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को मारा उससे पूरे प्रदेश में भयानक आक्रोश है। सबसे पहले कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ ठीक करें, वहाँ पे पुलिस वालों का जो नैतिक बल है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, और इस तरह की घटनाओं को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ये कोई ये इस तरह से नहीं हो सकता कि कैसे वो बजरंगी दल और किस किस के लोग जो उत्पात कर रहे हैं वहाँ, उनको रोकना पड़ेगा। राजीव जी, मैं गीता चौहान राजधानी संदेश अखबार से हूँ। अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने बयान दिया है कि हम 180 सीट लेकर आ रहे, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी बुक आई हुई। पहले 80 सीटें मिल जाए, 180 तो छोड़ दो।